वेलकम बैक टू रंगोली व्यूअर्स। ब्रेक में बहुत हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी, तो मैं चाहूंगी कि उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करें और चलते हैं हमारी ऑडियंस की तरफ। जी, आपका क्या सवाल है? वालेकुम सर, मेरा मोहम्मद नईम है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ होता ज़्यादातर अक्सर यह, अब तो शायद कम हो गया, लेकिन होता यह कि फैमिलीज मिलकर रिश्ता कर देते हैं बच्चों का। 2-3 साल गुजरे, फैमिलीज क्लैशेज हुए और रिश्ता तोड़ दिया गया, मंगनी जो थी वो तोड़ दी गई। अब अगर बच्चे एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते तो वो क्या करेंगे? अगेंस्ट जाएं फैमिली के, या उनको क्या, अब वो क्या करेंगे? क्लैशेज ऐसे आ गएंगे, आप माँ बाप तो कभी नहीं मानेंगे। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो अक्सर देखने में आती है कि लोग उन दो बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखते जिनकी मंगनी उन्होंने की थी, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ मौजूदात पे तनाज़ात में उलझ जाते हैं। और यहाँ भी ईगो का मसला बहुत आता है, किस मौके पे किसने क्या तवज्जो नहीं दी थी, किस मौके पे क्या हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अगर लड़की लड़के की मंगनी वालदैन ने पूरी तसल्ली से की थी और बाद में वो उनके आपस में नाराज़गी हो गई है, तो लड़की और लड़का अपने अपने वालदैन के साथ निगोशिएट करके उनके दरमियान मसालियत भी कराए, दोनों ख़ानदानों के दरमियान, और अपनी ज़िंदगी को बाहम आगे लेके भी चले। और अगर वो इस तजर्बे को कामयाबी से कर गुजरेंगे तो आगे भी उनको ये फ़ायदा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करेंगे। इसमें ख़ानदान के दूसरे बुज़ुर्गों को बीच में डाला जा सकता है, थोड़ा वक्त गुजरने दिया जाए, मसले का हल ढूंढा जा सकता है, थोड़ा वक्त दिया जाए तो उससे भी सूरत हाल बेहतर होती है, लोग थोड़ा ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो मौकफ समझने लगते हैं। सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। मेरा नाम गना है। माय क्वेश्चन इज, एक तो अपनी पसंद से एंगेजमेंट होती है या पेरेंट्स करा देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं कि माइंडसेट हुआ हुआ है हमारी सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स का कि जी लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल इतनी नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज, बट फेलियर्स तो दोनों में हो सकते हैं। दिस इज़ समथिंग अनप्रिडिक्टेबल, तो हाउ वुड यू एड्रेस देम कि आप किस तरह उनका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं या आप किस तरह उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं? ये दुनिया में इस पे बहुत डिबेट हुई है कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए, और कोई लव मैरिज के बारे में कहता है कि इससे शादी नाकाम होती है, कोई कहता है कि अरेंज मैरिज से नाकाम होती है। तो शादी की कामयाबी का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। शादी की कामयाबी का ताल्लुक इस बात से है कि दोनों, यानी लड़का और लड़की, अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए क्या कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसे कितना दिलचस्प बनाते हैं। और कोई गारंटी किसी रिश्ते में नहीं होती डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। और इसको हर रोज अपनी शादी को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक जिद्दोजहद करनी पड़ती है, जो कि बड़ी मुस्बत और मज़ेदार जिद्दोजहद है। शादी एक मज़ेदार रिश्ता है, ये कोई बोझ नहीं है, लेकिन इसमें जो एक दूसरे के ऊपर बोझ डाला जाता है उससे मसाइल होते हैं। एक दूसरे को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इस चीज़ को समझ लिया जाए कि जब आप शादी करने जा रहे हैं तो आप अपने लिए शादी कर रहे हैं या आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर आपने लव मैरिज कर रहे हैं और शुरू में आप उस लड़की के साथ लव का एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं और बाद में आप उसे खानदान के सामने डालना है आपने कि अब तुम उनकी यू हैव टू विन देयर क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, उनको लिव अप करना है, एक्सेप्टेंस एज वेल, तो ये एक अनफेयर बात है। फिर अब यही लड़की के साथ जब आप एक लव मैरिज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो दो लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फिर उन दोनों को मिलके दूसरे फ्रंट्स पे इकट्ठे एक इज्तमाही सोच के साथ आगे चलना है। फिर ये जो हमारे माशरे में होता है ना कि लड़का लव मैरिज तो कर लेता है, लड़की को घर ला के आफ्टर मैरिज वो एक सूरत हाल फ़र्क होती है, दैट इज़ अनफेयर। ये इस वजह से वालदैन कहते हैं कि अमूमन जो लव मैरिजेज होती हैं वो नाकाम होती है, जो सही बात है। हमारे माशरे में देखा जाए तो जो शादियां ज़्यादा नाकाम होती हैं वो हैं जो लव मैरिजेज होती हैं, इससे कि वो ग्राउंड नहीं की जाती प्रॉपरली। जिस लड़के के साथ आप लव या मंगनी करने जा रहे हैं उसमें ये देख लें कि इतना मेच्योरिटी लेवल है कि वो चीज़ों को प्रैक्टिकली एड्रेस कर सके, वो आपको डिफेंड या आपको सपोर्ट कर सके और आपका साथ दे सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं लगता कि अगर अरेंज्ड हो या लव मैरिज हो टैबू बन जाता है ब्रेकअप हमारी सोसाइटी में? एंगेजमेंट तक तो ठीक है, एंगेजमेंट ब्रेक हो तो चलें छोटा टैबू होता है, लेकिन अगर बात आगे निकल जाए तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। नहीं, दोनों सोच में एक जैसा होता है, एक रिएक्शन तो एक जैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, right? होता है। और कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक याया खान है और मेरा सवाल ये है कि जो लड़के होते हैं वो मंगनी के बाद बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं, लेकिन जो लड़की है उसका अपना एक सोशल सर्कल होता है जिसमें उसे सर्वाइव करना होता है। तो अब इस सिचुएशन में जो लड़का होता है वो सोसाइटी की वजह से और अपनी पर्सनल अफिलिएशन की वजह से ना लड़की से अपनी मंगनी तोड़ सकता है ना उसके साथ उससे वो चीज़ें बर्दाश्त होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए?
देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सिचुएशन होती है जिसमें लड़का अपने लिए किसी और तरह से सोचता है और अपनी मंगेतर के लिए दूसरी तरह से सोचता है, खुद उसको सब छुट्टी है, वो जो चाहे करे, लेकिन उसकी जो मंगेतर है वो अभी उसका कुछ उसने खर्चा नहीं उठाया, अभी निगेबानी शुरू नहीं की, अभी नान नफका नहीं दिया, अभी वो उसने उसकी जिम्मेदारियां नहीं उठाई और वो उसको कहने लगता है फलां से क्यों बात कर रही थी, फलां कज़न के साथ हंस के क्यों बोल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पोजेसिवनेस है ये रिश्ते की दुश्मन होती है। ट्रस्ट लेवल अगर दो तरफा ना हो, म्यूचुअल ना हो, तो शादी में फिर मजा नहीं आता। ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, पास कर या बर्दाश्त कर। तो ये हैव टू चूज। बट सर ये लड़कों की तो ज्यादातर नेचर होती है कि वो लोग मतलब नहीं नहीं ये सिर्फ लड़कों की नेचर नहीं होती, लड़कियों की भी नेचर होती है। जिस चीज को, जिस इंसान को, शख्स को आप प्यार करते हैं या आपकी अफेक्शन उसकी तरफ होती है, एक बिलोंगिंग होती है, बेशक वो लड़का हो या लड़की हो, ये जेंडर बायस नहीं होता। आप एक नेचुरल बात है पोजेसिव या प्रोटेक्टिव फील करते हो, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन टर्म डिफरेंट होता है सादिया, होता ये है कि जब लड़कियां ऐसे करती हैं तो वो शकी हो जाती हैं और जब लड़के ऐसा करते हैं तो वो उनका पोजेशन हो जाता है, उनका हक है। अक्सर लड़के यही कहते हैं कि तुम शकी नहीं हो रही हो कुछ ज्यादा ही। ये मैं आपको बताऊं कि ये नेचर नहीं होती, इंसान का जो दिमाग है वो वैल्यू न्यूट्रल है। ये हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो हमें मिलते हैं, वायरसेस हैं जो हमें मिलते हैं कि जिससे मैं मोहब्बत करूं उससे कोई और मोहब्बत ना करे, वो किसी और से मोहब्बत ना करे। हालांकि होना ये चाहिए कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं तो सारी दुनिया उससे मोहब्बत करे, ये हमारी तमन्ना होनी चाहिए। अगर हम समझते हैं कि कोई उससे बात ना करे, दुनिया उसको आइसोलेट कर दे और वो दुनिया को बिल्कुल त्याग दे, तो मैं समझता हूँ कि ये कतई मोहब्बत नहीं है। जिससे मोहब्बत होती है आप उसका बुरा नहीं चाहते, फिर आप उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और उसे कामयाब देखना चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और व्यूअर जैसे कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि यही है रंगों की रंगोली आपके रिश्तों की। और देखें एक मंगनी का पीरियड होता है एक दूसरे को इंजॉय करने का, समझने का, परखने का। कोई ज़रूरी नहीं होता, पत्थर पे लकीर नहीं होती कि मंगनी हो गई तो शादी तो ज़बरदस्ती होनी ही है। कोई टैबू नहीं होता, हमारा इस्लाम भी हमें ये परमिशन देता है और वैसे भी आजकल के दौर में एवरीबडी हैज़ अ चॉइस। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा और जाना। डॉक्टर सदाकत आपके बेस्ट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आप हमारा शो देखते रहें, सीखते रहें और इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। तब तक सादिया हयात खान साइनिंग आउट। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट यू एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।